ओके, तो इस ट्रिप की शुरुआत भी एक व्हाट्सएप ग्रुप से ही होती है, और इस ग्रुप में लोग प्लानिंग कम और बकवास ज़्यादा करते हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले इस कहानी के सारे नमूनों से मिलवा देता हूँ। तो ये लाल कलर के कपड़ों में जो बैठा है वो हूँ मैं, और ये जिसने अजीब से कलर के कपड़े पहने हैं वो है प्रिंस, और ये जो पीछे दो फेस वाला अजीब सा जानवर है वो सौरभ, और ये आगे जो संतरे के छिलके जैसे लेटा है वो है किशन, और ये दुखी आत्मा ये है आशीष, और जो अभी तक पोस्ट डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है वो है विश्वास। एक और है जो फोटो क्लिक कर रहा है जिसने अजीब से कैटरपिलर जैसे कपड़े पहने हैं वो है अजय। ओके, तो फिर बहुत ज़्यादा बहस करने के बाद यही डिसाइड हुआ कि हम सब लोग ऋषिकेश में मिलेंगे। पर फिर हम चार लोगों ने डिसाइड किया कि दो दिन पहले जाकर हम आगरा को एक्सप्लोर करते हैं। तो हम लोग निकल गए आगरा। आगरा का ताजमहल जितना सुंदर है उतना ही वहाँ के लोग भी, और ख़ास करके वहाँ के बच्चे जो कैमरा के सामने आते ही डांस चालू कर देते हैं। काफ़ी सारे फोटोज़ और यादें इकट्ठा करने के बाद हम लोग आगरा से ऋषिकेश की ओर निकल गए। तो कुछ इस तरह से हमारा पहला दिन स्टार्ट हुआ ऋषिकेश में।
ये मेरे कुछ चूजे दोस्त हैं, ये पता नहीं क्या ही ट्राई कर रहे हैं, जब से वो ज़्यादा ये उनका क्या झंडे का डंडा ला तब तो कुछ इस तरह से हमारा पहला दिन गुजरा ऋषिकेश में। बाय द वे ये है राहुल, अगर आप लोग ऋषिकेश जाते हैं तो ये वहीं राम झूला के पास गंगा किनारे फूल बेचता है, तो इसे हाय ज़रूर बोलना। वेट व्हाट द जोकर। ओके, तो रात में हमारे ग्रुप के 3 लोग और आ चुके थे, वो भी एक ऐसी गाड़ी लेके जो ऋषिकेश में आते ही ख़राब होगी। ठीक
वैसे ऋषिकेश से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, सच में ये जगह बहुत ज़्यादा पीसफुल है। वैसे हमारी कार ठीक हो गई, फिर हमने आशीष और अजय को बस स्टैंड छोड़ा। वो लोग यहाँ से बस से मनाली जाने वाले थे और हम लोगों ने फिर एक छोटे से ढाबे पर खाना खाया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ही था, जब तक